हेलो गाइस, आई एम बैक विद अदर गेम प्ले वीडियो। और गाइस, बहुत टाइम हो चुका है कि हमने कोई भी स्पोर्ट्स कार नहीं चलाई है, मगर आप लोग को तो पता ही होगा कि मुझे एक ऑफ रोडिंग कार पसंद है। मगर जब भी हम एक ऑफ रोडिंग कार चलाते हैं तो उसमें स्पीड नहीं होती है, और जब भी हम एक स्पोर्ट्स कार चलाते हैं तो उसमें हम ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते हैं। मगर आज हम खरीदने वाले हैं ऐसी कार जिसमें होने वाली है दोनों चीजें, और आज का गेम प्ले होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं गेम प्ले के अंदर। तो ओके गाइज, हम आ चुके हैं गेम प्ले के अंदर। और भाई, जो आज हम कार खरीदने वाले वो है लेम्बोर्गिनी उरुस। और भाई, ये कार के अंदर दोनों टाइप के कारों का मजा है, क्योंकि भाई इसको एक स्पोर्ट्स कार की तरीके से भी चला सकते हो और एक ऑफ रोडिंग के टाइप से भी, ठीक है। तो अभी पहले तो हम कार को खरीद लेते हैं, ठीक है। और कलर थोड़ा अलग सेलेक्ट करेंगे, ये कलर मुझे पसंद नहीं आया। देखो अभी तो इसमें डिजाइंस भी है पर डिजाइंस मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए, ठीक है। तो मैं एक अलग अपना कलर, क्या कहते हैं, कस्टम कलर कर लूँगा। ये देखो ये यार, ये मस्त लग रही है भाई। ये देखो, इसको दिखाऊँ क्या मैं आपको? ये देखो। और भाई, ये मतलब कि लेम्बोर्गिनी की कार है भाई, और मतलब बहुत स्पोर्ट्स कार है, बहुत मस्त स्पीड होगी। पर हम इसको, उसका ग्राउंड क्लियरेंस देखो कितना ऊपर होगा, और ऑफ रोडिंग की तरह चला सकेंगे। और इसके टायर वायर भी मैं चेंज करा दूंगा, ये कलर भी मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क है, ठीक है। तो ओके गाइज, अभी ये कलर सेलेक्ट करते हैं और इसको देखते हैं। मुझे ये कलर मस्त लग रहा है, तो हम ये कार, ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और गाड़ी को खरीद लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं और बाय पे क्लिक कर देते हैं, और ये गाड़ी हो जाएगी अपने। इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस कराएंगे, और पहले तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि ये कार कैसी दिखती है, ठीक है। पहले कार हमने खरीद ली है, और पूरा इसको खोल खाल के देखेंगे कि कैसी है कार ये, ठीक है। तो ओके गाइज, अभी हम वहाँ पे आ गए जहाँ पे हम अपनी कार पार्क करते हैं, ठीक है। अभी मैं मॉडिफिकेशन वगैरह दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। पहले तो सॉरी, मॉडिफिकेशन नहीं, अभी पहले गाड़ी चेक कर लेते हैं कि गाड़ी लग कैसी रही है। ये कलर देखो, मैंने कलर बहुत फंकी कलर रखा है, ठीक है। पहले तो गेट, ये फोर सीटर कार है भाई, क्या कहते हैं, फुल मतलब SUV टाइप का मजा देगी बोले तो। स्पोर्ट्स कार भी देखो, आपको लुक में लगेगा कि ये स्पोर्ट्स कार। लाइट बंद कर दी, मैंने जला दी, LEDs वगैरह हैं भाई, ठीक है। देखो इसके आगे से देखो और पीछे से भी देखो, तुम्हें फुल लेम्बोर्गिनी लगेगी। मगर भाई, अभी ये है एक मतलब ऑफ रोडिंग कार भी कह सकते हो और सुपर कार भी कह सकते हो। और इसके अंदर बूट स्पेस दो कितना सारा है भाई, कैंपिंग वैम्पिंग भी कर सकते हैं क्या इसके अंदर, कितना सारा बूट स्पेस है, हम सामान लेके घूम सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये गेट खोल के देखते हैं। अबे गेट खुल जा बे यार, ये देखो। अबे भाई, इसके गेट देखो, मुझे ये वाले गेट बहुत अच्छे लगते हैं जिसके अंदर ऊपर फ्रेम नहीं होता, बस ग्लास ग्लास होता है, ग्लास खोल दो तो पूरा का पूरा गेट खुल जाएगा। ये देखो क्या मस्त लग रहा है अंदर से भी, ठीक है। अंदर से भी दिखाऊंगा मैं आप लोग को, पहले सारे गेट वेट खोल देते हैं। ये गेट भी खुल जा भाई, ये देखो क्या मस्त है भाई। और इसको भी खोल देते हैं भाई, ये क्या मस्त लग रहा है। और आगे अंदर से भी दिखाऊंगा आप लोग को, पहले तो हम बोनट खोलते हैं। इंजन देखिए क्या इसका, इंजन आगे है क्या नॉर्मल SUV की तरह है। ये देखो, ये इसका इंजन भाई। और ज़्यादा अच्छी कारों के अंदर ना सारे जो इंजन के पार्ट्स वगैरह होते हैं वो कवर्ड होते हैं, इतने देखो सारा कुछ कवर्ड है। और भाई डिटेलिंग देखो इस गेम की, देखो यहाँ पे जो लॉक होता है ना जिस बोनट का, वो भी दिख रहा है इसके अंदर। बैटरी वैटरी सब कुछ कवर्ड है भाई, क्या कहते हैं। तो अभी ज़्यादा कुछ बैटरी ये है मेरे ख्याल से, ठीक है। और एक खतरनाक सा इंजन है, V8 मतलब V8 इंजन है भाई, सब सोचते कितना पावरफुल होगा, ठीक है। तो चलो अभी बाहर इसके और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें, ठीक है। और ये बोनट अपने, बोनट बंद कर दें क्या, एक सेकेंड बोनट बंद हो जा भाई, ये इसको ऐसे बंद कर दिया। और क्या कहते हैं, इसके अंदर ना वो लगा होता है जो हीट वीट पास नहीं होने देता है, ठीक है। और भाई, हम यहाँ से मॉडिफिकेशन करा सकते हैं क्या, यहाँ से ही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम, बहुत बढ़िया, हमको और कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। पहले तो मैं इसके टायर वायर चौड़े वौड़े करूँगा भाई, पहले तो टायर देखें, टायर और कौन कौन से हैं, ये नहीं, ये अच्छे तो ये वाले टायर से रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर स्पॉक्स भी लगे हुए हैं जो ना, वो क्या कहते हैं, कांटेदार कांटे होते हैं, वो लगे हुए, वो सेट करवा लेते हैं, ठीक है। और सस्पेंशन, गाड़ी को ऊँची भी कराएंगे भाई हम, ठीक है। ये तो नीचे हो गई है भाई, उसको और ऊपर चाहिए, चलो ऊपर भी हमने करा दी हल्की सी, ठीक है। और टायर के साइज चौड़े करवाते हैं, ठीक है। ये देखो साइज अब चौड़े कराएंगे हम, आगे किस टायर साइज चौड़े करने के, ये चौड़े हुए क्या, मुझे तो पता भी नहीं चला भाई। ये रेयर वाले को भी चौड़ी करा देते हैं, चौड़े करा देते हैं, पहले एक बार कंपेयर करते हैं। ये देखो चौड़े हो रहे हैं भाई, चौड़े हो रहे हैं, ठीक है, करा लिए इसको भी हमने, ठीक है। और ये क्या चीज़ें हैं, ओ ये मस्त है यार, और ऊंची हो गई ये गाड़ी, और टायर बड़े लग गए मेरे ख्याल से। अच्छा, ये टायर बड़े हो गए। अब मेरे को पता नहीं कि ऑफ रोडिंग के लिए बड़े टायर अच्छे होते हैं या कैसे होते हैं, पर हम बड़े लगवा लेते हैं, हम हर बार तो नॉर्मल टायर ही यूज करते हैं, तो इस बार बड़े वाले टायर लगवा लेते हैं। चलो
ये देखो गाड़ी और कितनी ज्यादा ऊंची हो चुकी है कि फुल ऑफ रोडिंग करने के लिए मस्त हो जाएगी, ठीक है। तो ओके गाइस, पहले एक बार अंदर बैठ के देखते हैं, फिर इसके बाद इस गाड़ी को हम चलाएंगे, ऑफ रोडिंग वगैरह करेंगे, स्टंट करेंगे और रेस भी लगाएंगे, ठीक है। तो चलो पहले तो गाड़ी के अंदर चलते हैं भाई। कैसी लग रही है? हो जा अंदर, हो जा। इसको अंदर क्लिक करने का हो गया। और भाई अंदर सारी महंगी गाड़ियों में जो अंदर का जो वर्क होता है, जो भी होता है, ये फैब्रिक वैब्रिक जो भी बहुत अलग होता है, ठीक है। और ये क्या स्टेयरिंग है भाई, अभी अभी स्टेयरिंग हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे लम्बोर्गिनी का लोगो है, ठीक है। और ये भाई देखो गाड़ी, अब अंदर से कितनी खतरनाक है। और इधर हो जाए यार, इधर तो देख सकते हैं हम। यहाँ बटन देखो, बटन दिख रहे हैं यार। गियर शिफ्टर वगैरह कैसे? इस पर बस मोड्स वगैरह चेंज करने के हैं, और बाकी पावर बटन के पास जो होता है, मतलब इग्निशन चालू करने के लिए, उस पर वहाँ पर वो है, ठीक है। और तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं भाई, गाड़ी को इंजन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ओके गाइस, अब हम इस गाड़ी को चला के देखने वाले हैं। और पहले तो आप देख लोगे क्या कूल लग रही है इसकी एलईडी वगैरह, ठीक है। और अबे टायर पिचके हुए क्यों लग रहे हैं बे? मैंने इतने बड़े बड़े टायर डलवाए हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये भाई फुल ऑफ रोडिंग के लिए प्रिपेयर है, ठीक है। तो अभी मैं आपको चला के दिखाऊंगा, पहले तो पूरी गाड़ी दिखा देता हूँ, अंदर से भी दिखा देता हूँ, दिखा चुका हूँ, ठीक है। ये गाड़ी है अपनी, ठीक है। और ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं दिखाने की अभी, तो हम इसमें यहाँ पे सिटी में, और सिटी में ऑफ रोडिंग वगैरह करेंगे भाई, ठीक है। धीरे धीरे गाड़ी को आगे निकालते हैं, ठीक है। पहले तो आवाज़ सुना दूँ क्या? पहले तो हॉर्न सुनाता हूँ देखो। और नॉर्मल जैसा मैं नॉर्मल हॉर्न रखता हूँ, मुझे हॉर्न का ज़्यादा शौक नहीं है, ठीक है। और भाई देखो आवाज़ देखो, ये कि स्पोर्ट्स कार भी है और क्या कहते हैं सुपर कार भी है भाई। अभी क्या होने वाला है देखो। अभी पहले तो तुम्हारा भाई सिटी के अंदर स्टंट वगैरह करेगा। स्टंट क्या मतलब? ऑफ रोडिंग, मतलब इसके टेस्ट करेगा भाई कि क्या क्या ही चल सकती है भाई ये, मतलब ऑफ रोडिंग में कहीं भी चढ़ाएंगे इसको। मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक लोकेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। सिटी के अंदर हम सीढ़ियाँ वीडियो पे चढ़ा के देखेंगे भैया कि क्या पावर वावर कैसी है गाड़ी के अंदर। और भाई पहली गियर में तो आवाज़ ही नहीं कर रही है भाई। अभी देखो, अभी मेरे को यहाँ पे चढ़ाने का है इसको, ठीक है। और भाई बहुत हल्की गा रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि एसयूवी वैसे बहुत भारी होती है। पर अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आराम चढ़ चढ़ गई है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। आराम आराम से नहीं चढ़ती है, झटके से। इनसे गाड़ी में इतना पावर होता है ना, ये देखो आराम चढ़ गई है भाई। अभी असली वाला ऑफ रोडिंग तो ऊपर आएगा जब हम शूटिंग पे चढ़ा के देखेंगे इसको, ये सक्सेस है या नहीं है इस गेम के थ्रू ही पता चल सकता है, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल एक्चुअल में ख़रीदना भी चाह रहे हैं इस गाड़ी को, ठीक है, तो आप मेरी मेरी वीडियो देख सकते हो भाई, पता चल जाएगा कि आपको ये सीढ़ी वीडियो पे और थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग के लिए सक्सेस है या नहीं है। अभी दो को पता चलेगा, जबकि हमने इस गाड़ी को उठवाया है थोड़ा। हाँ सक्सेस तो है भाई, आराम चढ़ गई है भाई। अबे 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 आराम से यार, इतना झटका क्यों ले रही है भाई। अभी यहाँ सीढ़ी से बड़ी वाली सीढ़ी चढ़ा के देखेंगे, ठीक है। और ये बोर्ड लग रखा है किसी ने यार यहाँ पे, इसका दिक्कत है, इसको ठोक ठाक के हटा देंगे, साइड कर देंगे, ठीक है। आंदे 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 Turn around when it is safe to do so. अभी गाड़ी को सीधा करना पड़ेगा, फिर जा करके हम इस पर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो गाड़ी को सीधा करते हैं थोड़ा सा, और रिवर्स करते हैं, और पूरी मोड़ देते हैं गाड़ी। गाड़ी सीधी होगी तभी चढ़ पाएगी यहाँ पे। यहाँ पे छोटे मोटे ऑफ रोडिंग है, फिर एक स्टंट करेंगे एक आध, फिर हम एक रेस लगा देखेंगे कि भाई ये स्पीड के मामले में भी सक्सेस है या नहीं है, और फुल स्पीड भी टेस्ट करेंगे इसका, ठीक है। थोड़ा तो और पीछे लाते हैं, थोड़ा गमला है भाई देख के। अरे हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? अबे अभी तो गमला दूर है बे, पहले ही नहीं हो रही है। अरे यार चलो यहाँ चढ़ा के देखे क्या, ऐसे ही है चढ़ा रहे क्या? चलो यही चढ़ा देते हैं, देखते हैं कि कितनी कंफर्टेबल है गाड़ी, आराम से ऑफ रोडिंग कर सकती है नहीं कर सकती है। वह क्या हो गया बे? चल 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 चल, कहीं लग तो नहीं रही है ना भाई? अगर ऐसे करेंगे एक्चुअली में थोड़ी बहुत लग जाएगी ये गाड़ी, एक्चुअली में लग जाएगी। वैसे तो देखो दिख रही है कि नहीं लग रही। अबे चढ़ जा बे, थोड़ी बहुत इसका मर जो आगे जो होता है बम्पर होता है वो तो लग देखो आवाज़ आई भाई। भाई शीशा भी टूट गया इसका पीछे ऊपर का, सनरूफ टूट गया, थोड़ा रिवर्स करना पड़ेगा। अबे अबे नंबर प्लेट भी गया अपना, ऑफ रोडिंग कैसे होगी इससे भाई? नंबर प्लेट अपने चैनल का नाम था यार, वही टूट गया भाई। अभी चढ़ा के देखते हैं। चलो भाई मैं रिवर्स कर देता, सॉरी पहली गियर भाई, पहली गियर में चढ़ानी पड़ेगी। और भाई बहुत सारी चीज़ें टूट गई हल्के से एक्सीडेंट में, गाड़ी तो बहुत नकली बना रखी है इन लोगों ने। नहीं भाई उतनी सक्सेस नहीं है, थोड़ा बहुत आप ऑफ रोडिंग का मजा लेना चाहते हो उससे तो कर सकते हो, बाकी इतनी खतरनाक नहीं है कि ऑफ रोडिंग खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग हो सके इससे, जबकि हमने इसको थोड़ी सी लिफ्ट भी कराई है, ठीक है। और इसमें और भी चीज़ें हमने की है, बड़े बड़े टायर डलवाए हैं, ठीक है। छोटी मोटी ऑफ रोडिंग के लिए ठीक है, छोटी मोटी सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ आती है तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है।
बाकी बड़ी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं इससे, बड़े स्टंट वगैरह वैसे वाले, ठीक है। और स्पीड वगैरह देखना कि स्पोर्ट्स कार का भाड़ा दे पाती नहीं है, बस छोटी सी कार है, ठीक है। यहाँ पे खंबा भी है, या तो खंबा भाई टूटेगा या तो हम खंबे के साइड से निकलेंगे, ठीक है। अब ये देखना आगे ही पता चल पाएगा कि क्या होता है। साइड में ठोक दिया हमने भाई, हम इतने प्रो ड्राइवर हैं फिर भी ठोक रहे हैं यार, हद है। इतनी महंगी गाड़ी है, रगड़ा रगड़ा मारते जा रहे हैं हम लोग। क्या क्या टूटने की आवाज़ आ रही है, गमले वमले तोड़ रहे हैं हमें। वैसे भाई एक्चुअल में देखो का तो पता नहीं, बट यहाँ पे आप गाड़ी है जो हर जगह चढ़ जा रही है, थोड़ी बहुत मतलब दिक्कत नहीं हो रही है इसको पावर के मामले में, ठीक है। मगर हाँ ये है कि भाई इसको नुकसान पहुँचेगा अगर एक्चुअल में हम ये गाड़ी से क्या कहते हैं अगर ऑफ रोडिंग वगैरह करेंगे तो थोड़ा नुकसान तो पहुँचेगा भाई, ठीक है। और एक आध जगह और ऑफ रोडिंग का है वो देखते हैं यहाँ पे सिटी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं भाई एक आध बैग क्या कर रहा है भाई, ठोक दी मेरी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी है भाई। तो यहाँ पे एक आध लोकेशन और है, वहाँ चलते हैं जरा और देखते हैं भाई ऑफ रोडिंग करके, और फिर इसको फुल स्पीड भी टेस्ट करेंगे। और गाड़ी की हालत देखो, अभी तो हमने गाड़ी चलाई भी नहीं, क्या हालत हो गई है इसकी। और ये हमारे हॉर्न को फॉलो करते हैं क्या, मतलब बात मानते हैं हमारे हॉर्न से। और इधर भी शायद एक ऑफ रोडिंग है मुझे जहाँ तक याद है, मैंने पहले चलाई है गाड़ी यहाँ पे, ठीक है। अंदर चला के देखे क्या भाई, आवाज़ बड़ी सेक्सी है इस गाड़ी की। फिर भी मुझे तो याद भी नहीं कौन सी कैसी कैसी लोकेशंस है, ठीक है भाई। ये आवाज़ कैसी आ रही है, पायल की आवाज़ कैसे आ रही है यहाँ पे, और भाई मुझे वो लोकेशन याद नहीं कि कौन से लोकेशन पे वो दूसरा वाला था, बट फिर भी चलते हैं अगर कहीं दिखेगा तो कर लेंगे, नहीं तो अभी हम अपने अगले लोकेशन पे चलते हैं जहाँ पे इसका हम फुल स्पीड टेस्ट करने वाले हैं और एक स्टंट भी करने वाले हैं, ठीक है। और इस गाड़ी की आवाज़ देखो, तो चलो अभी मैप लगाते हैं और जो ड्राइव का मजा है वो लेते हैं कि किस तरीके का ड्राइविंग फील आती है उससे, ठीक है। और उसके बाद स्टंट करते हैं, स्पीड टेस्ट करते हैं और फिर जाकर के एक रेस लगाते हैं, ठीक है। चलो भाई मैं लोकेशन लगा लेता हूँ, पहले तो हम अंदर चला के देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अंदर चलाएंगे, आवाज़ बड़ी सेक्सी है इस गाड़ी की, कुछ भी कहो। और भाई ऑटोमेटिक गाड़ी है और आप मेरी ड्राइविंग स्किल्स आपको देखनी है कि मैं कितना खतरनाक चलाता हूँ। और भाई 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 आराम से चलने का। थोड़ी सी देर में हल्की सी बात पे अनकंट्रोल हो जाती है, इसे कहते हैं। ये चीज देखी आपने, क्या मस्त भाई ने ड्रिफ्ट मारा तुम्हारे भाई ने, पांचवी गियर पे आ गई। गियर कम करने पड़ेंगे क्योंकि भाई जब वहाँ पे एंड पे जाए तब जाके अपने को वैसे चलाना चाहिए। अभी मैं बाहर चला के दिखाता हूँ तुम लोग को थोड़ा, अभी चौथा गियर डालने का। ओए ठुकती, अभी क्या ही कर रहे होते हैं ये, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया भाई। कितने अच्छे लोग, कुछ नहीं बोला, अगर इंडिया होता तो बहुत मारते पकड़ के मुझे। और आगे लोकेशन देखो कितनी अच्छी लोकेशन है, और गाड़ी की हालत ख़राब हो चुकी है भाई, पर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काशी और मज़ा आ जाएगा, चलो ऑफ रोडिंग भी करने का मौका मिल जाएगा आप लोग को। अपने पास ऐसी गाड़ी है, क्या फील आता है भाई। गाड़ी को चलाना बहुत डिफिकल्ट है भाई, क्योंकि भाई एक्चुअल में आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा कि इस गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। अब यार तेरी तूने और तोड़ दी मेरी गाड़ी को, देखो क्या टक्कर मार के गया है। और ऑफ रोडिंग में अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब आप थोड़ा सा अगर सुपर का स्पोर्ट्स कार का मजा लेना चाहते हो और ऐसी इस तरह की ऑफ रोडिंग को तुम्हें चलाना चाहते हो तो गाड़ी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। ये देखो, इसे कहते हैं प्रो ड्राइवर। सॉरी यार, सॉरी। हमारे पहुँचने तक तो गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाएगी, मगर तुम्हारा भाई गाड़ी रिपेयर करवा लेगा, टेंशन मत लो।
तो ओके गाइस, हम दोबारा आ चुके हैं और अपनी गाड़ी देखो फुल रिपेयर करा दी तुम्हारे भाई ने, फिर से ठुक गई, ठुकती तो रहेगी भाई ये, ठीक है। तो अभी देखो मैं तुम्हें उस लोकेशन पे लेके आ चुका हूँ जहाँ पे छोटे मोटे स्टंट करेंगे, उसके बाद फिर हम रेस लगाने जाएंगे, ठीक है। और आप लोग अगर यहाँ तक देख चुके हो तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दो यार, ओके। तो आगे हम अभी चल रहे हैं, ठीक है, और हम किसी अबैंडेंड रनवे पे आ चुके हैं, मतलब एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट है मतलब कि आप रिटायर हो चुका है, मतलब काम नहीं है इसका कोई भी, ठीक है। तो यहाँ देखो कितनी खतरनाक घास से वहाँ से उगी हुई है, यहाँ पे का ड्रिफ्ट व्रिफ्ट मांगे हैं हम लोग, और छोटे मोटे एयरप्लेन भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, कितना मस्त लोकेशन है, ठीक है। और यहाँ पे तो पहले तो हम वो चक्री वाला स्टंट मारने वाले हैं, पहले तो स्टेयरिंग व्हील को पूरा घुमा दो और देखते हैं भाई कि इसके अंदर पावर है या नहीं, घूम पाती नहीं घूम पाती है। पहली गियर में गाड़ी है, जैसे स्पोर्ट्स कार होती है एक जगह पर घूम जाती है बिल्कुल मस्त, वैसे घूम रही है अभी, पर मट्टी में को चली गई है भाई, रोड पे घूमना चाहिए इधर को। एक सेकंड इसको रोड पे घुमाएंगे भाई हम, यहाँ पे आजा, यहाँ पे आजा, अब घूम नहीं तो मट्टी में घूमना है। हद है यार, गाड़ी गंदी भी हो रही है और छोटा सा एरोप्लेन है, ठीक है, वैसे तो घूम गई है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक सेकेंड अभी इसका हम एक फुल स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, और फुल स्पीड टेस्ट के साथ साथ इसको जंप भी कराने वाले हैं, ठीक है। फुल स्पीड टेस्ट हो जाएगी इस रनवे पे, ठीक है, और जंप भी कराने वाले हैं, ठीक है। तो रनवे है भाई बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो अभी हम इसको पहले वहाँ एंड पे जाते हैं, एंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस वाले आज हमें रेस में जीतना है भाई, ठीक है, तो भाई बेइज्जती होने वाली है, सारे मैच हम हार जाते हैं। ये ड्रिफ्ट मारी हमने, अभी टायर वायर साइड कर दी भाई ड्रिफ्ट के साथ साथ, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से फुल स्पीड भी टेस्ट हो जाएगी हमारी और हम जंप भी करके देख पाएंगे, ठीक है, ओके। तो इतना सही है ये रनवे, ठीक है, इतना काफ़ी है ना, हाँ चलो, घास में ज़्यादा नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम पहले तो फॉरवर्ड करते हैं और फुल रेस देते हैं, ठीक है, और ब्रेक पे से पैर हटाएंगे, 3 2 1 स्टार्ट। दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा गियर, बहुत धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है स्पोर्ट्स कार, बहुत जल्दी पकड़ लेती है स्पीड, पर ये बहुत धीरे धीरे पकड़ रही है स्पीड, बाकी इसमें और भी गियर हैं पर ये स्पीड इतनी जल्दी नहीं पकड़ रही है, और 150 ही पार किया है इसने अभी तक भाई। छठा गियर तुम्हारे हमने लगा दिया है पर वहाँ पर ज़रूरत थी नहीं अभी, और भाई ये गाड़ी की पावर भूल गई थी, और ये तो बहुत गंदा परफॉर्म कर रही है भाई, ये देखो भाई हमने जंप करा दिए और कहाँ जा रही हवा में है, अभी क्या हालत हो गए भाई, देखो इसके अर्जे पुर्जे सब हिल गए, पेड़ वेड़ भी तोड़ दिया इसने, इसका कितना डैमेज हुआ मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी पानी के बाहर निकलने के बाद। पानी भी चल रही है मस्त, वहाँ पे क्रूज वगैरह बोट वगैरह है क्या, ये देखो भाई इसके पूरे अंजर पंजर, क्या कहते हैं, पीछे से ही डैमेज हुई है, क्या कहते हैं, देखो डैमेज खिस्सा वैसा टूट गया, ऊपर से भी डैमेज हुई है क्योंकि लैंड पीछे से किया है इसने, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको रिपेयर करा देंगे। वैसे गियर इसमें 8 गियर है भाई, पर स्पीड वहाँ तक जा ही नहीं रही थी, ठीक है, तो पहले तो रिपेयर कराते हैं और एक स्पीड लगाते हैं, पहले तो रेस लगाते हैं एक, ठीक है, और ऐसे लेके चलते हैं, वहाँ पर रेस जब स्टार्ट होगा तो अपने आप गाड़ी रिपेयर हो जाती है, ठीक है। तो पहले तो मैप में देखते हैं और कोई ऐसा स्ट्रेट वाला रेस करेंगे भाई हम, ठीक है, मुझे स्ट्रेट वाले रेस पसंद है, ठीक है। तो ओके गाइस, अभी हमने ये वाला रेस लगा लिया है और भाई ये स्ट्रेट रेस होगा, मतलब गोल गोल ट्रैक पे नहीं होने वाला, ठीक है, और ऑफ रोडिंग वगैरह होने वाला है शायद, ठीक है। तो मैंने रेस लगा लिया है और अभी बैक करते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं, तो मैं आपको वहीं मिलूँगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ओके गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने रेस वाली लोकेशन में और अपनी गाड़ी की हालत देखो भाई, लैम्बोर्गिनी उरुस है और इसकी हालत कैसी हो चुकी है भाई, कैसे रेस लगाएंगे, पर चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि जैसे हम रेस में एंटर करेंगे भाई अपनी गाड़ी फुल रिपेयर हो जाएगी और हम सोलो करने वाले हैं, ठीक है। और हाँ भैया, ऑफ राइडिंग वाली सीन चाहिए अपने को, ठीक है। अबे मेरे को ये रिकमेंडेड, ये भी रिकमेंडेड है, तो मैं इस पर इससे चलाने वाला हूँ, और भाई 8 कैटेगरी में है गाड़ी है, और भाई देखो अपनी गाड़ी कहाँ डिस्प्ले कर दी और गाड़ी पूरी रिपेयर हो चुकी है, और ये अपना कैरेक्टर खड़ा है भाई स्टेज पे, खड़ी की है भाई अपनी गाड़ी को, तो भैया परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा अपने को। और भाई सारी ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी है, देखो जीप, जीप रैंगलर है ना, रैंगलर की जीप है, क्या कहते, क्या नाम है उस गाड़ी का मुझे याद नहीं है, कंपस, जीप कंपस खड़ी थी मेरे ख्याल से, वो कैंपर या कैंपस, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो रेस दे दिया, गो हो गया, स्टार्ट हो चुका है, हटा लो भैया, हटा लो तुम्हारी तो ऐसी कम तैसी। तीसरा गियर,
और भाई क्या जंप मारी हमने, अभी तीसरी गियर में है गाड़ी भाई, मुझे स्पीड कम करनी पड़ेगी, मुझे 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 कंट्रोल नहीं हो रही गाड़ी। अब भाई जैसे ही मैंने अगर पीछे गया ना भाई पहले नंबर पे तुम्हारा भाई, और छोटी सी गड़बड़ी की तो लास्ट में पहुंच जाऊंगा। और एक बार बस क्या कहते हैं अपना मतलब कि बैलेंस बिगड़ा और हम हार जाएंगे मैच। स्पीड देखो यहाँ पे कम करने का भाई मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट, पहले तो मैंने मतलब चलाना छोड़ दिया इसमें से ना, थोड़ी अपनी एक्सपीरियंस मतलब वो थोड़ा कम हो गया। तो भाई तुम्हारा भाई सारे मैचेस जीतता था ये वाले भाई 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 भाई, चल जा चल जा चल जा चल जल्दी चल जा। मुझे चेक पॉइंट वगैरह ध्यान से देख करके करना पड़ेगा। आगे चेक पॉइंट कहाँ है? अबे मैंने मिस कर दिया, मैंने मिस कर दिया, मैंने मिस कर दिया, मुझे चेक पॉइंट ही नहीं दिखा यार। सब आगे निकल गए, सब आगे निकल गए। और भाई क्या यार ये गाड़ियों का ना मुझे सबसे गंदा सीन लगता है, देखो कंट्रोल ही नहीं होती है भाई। बार में पहुंच गया, हो गया अब तो मैं जीत गया, पर अभी मौका है अपने पास, ठीक है। और भाई ये ट्रैक वाला नहीं जो सीधा वाला है, क्या कहते हैं इसके अंदर तो भाई आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी होता है ये वाला रेस। भाई सब के सब आगे हमारे सामने से आगे जा रहे हैं, बताओ पूरी प्रैक्टिस मेरी कम हो गई। ये देखो ये गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है भाई, कहाँ जा रही है, मैं कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ इसको, ये कहाँ जा रही है। और बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि हम ये मैच जीत पाएंगे भाई। भाई ये स्पोर्ट्स कार यार कंट्रोल नहीं होती, लिटरली कंट्रोल नहीं होती भाई। इतनी ज़्यादा पावर होती है इनके अंदर के, थोड़ा सा ज़्यादा दे दो, देखो गाड़ी अपने आप हवा ही घूम रही है ये। चल एक को तो पीछे कर दिया हमने, ठीक है अभी हमें मैप भी देखते रहना है कि भैया किधर से, देखो 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 ये गाड़ी डिसबैलेंस हो रही है बहुत ज़्यादा। पाँचवीं गियर में गाड़ी हमने लगा दी है, पर भाई स्पीड यहाँ कम रखना पड़ेगा। जैसी स्पीड कम किया और वो आगे निकल जाते हैं। रेस में दिक्कत होती है कि रेस में ना हम क्या कहते हैं हटा लो बे हटा लो, और भाई डिफेंडर वगैरह से चल रही है, हम डिफेंडर से मुकाबला और खत्म होने वाली रेस। हार गए हार गए हार गए हार गए हार गए, इस बार भी हार गए भाई। ये हो गया मैच खत्म, रेस खत्म, 12वें पोजीशन पे है। तो ओके गाइस आज के इतना ही, और अगर आप लोग यहाँ तक दिख चुके हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, और आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम प्लेस वीडियोज़ आने वाले हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग गेम प्लेस वीडियोज़ को देखते रहने के लिए कीप वॉचिंग स्लीप ले।